ठीक से उसकी उसको कवर नहीं किया गया है, छोटे से फ्लावर बेस से लेकर और पुराने कूलर में पड़े हुए पानी तक कहीं पर भी। अभी तो दिल्ली के लोग तो विशेषकर इसको बहुत अच्छी तरह जान गए हैं, इतने सालों से उनका एजुकेशन हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी दिल्ली के लोगों को, कम्युनिटीज़ को फिर से इसके बारे में जागरूक करना, अवेयर करना, और ख़ासकर जो मॉस्किटो बाइट्स अवॉइड करने के लिए जितने पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं इनको लेना। हम सब जानते हैं कि अभी तीनों में से किसी भी बीमारी की, जिसकी हम खासकर आज बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में, डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, और इसके कारण जो वेक्टर कंट्रोल मेजर्स हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो खासकर डोमेस्टिक ब्रीडिंग को चेक करने वाले लोग हैं अभी ये रिस्ट्रिक्शंस के अंदर जो है, उनके लिए भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉगिंग के बारे में भी अभी ये जैसा बताया जाएगा कि ग्रीन जोन में तो शायद हम सारे के सारे मेजर्स को अच्छी तरीके से जैसे नॉर्मली लेते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन बाकी रेड जोन इत्यादि में उसके संदर्भ में भी बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भले ही अभी काम ना हो रहा हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जो है पुराना स्टैग्नेंट पानी वगैरह हो सकता है, उसके बारे में जो अर्बन डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलर्ट करने की दृष्टि से, और ख़ासकर जो फीवर के केसेस आ रहे हैं अब आएंगे, उसमें अगर हमको इसके बारे में इंडिकेशन नहीं लगता है कि वो कोविड हो सकता है, तो हमारा ध्यान, हम समझते हैं कि तुरंत डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के ऊपर ज़रूर जाना चाहिए। इन तीनों बीमारियों के संदर्भ में हमारे अस्पतालों में एडिक्वेट जो टेस्ट किट्स उपलब्ध हो जाएं, इसको भी सुनिश्चित करें, और इसके लिए हम सबको पता है कि NIV पुणे ने ये टेस्ट किट्स जो हैं, ये दूसरी जो आजकल कोविड की किट्स हवाई जहाज से सब जगह भेजी जा रही है, उसके साथ इनको भी भेजा जा रहा है, और अस्पतालों को ये कहा गया है कि वो एयरपोर्ट से उनको कलेक्ट कर लें या अपने कम से कम इंडेंट जो है वो इसके संदर्भ में दे दें। एंड दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन इफ़ वी हैव नॉट डन इट वी शुड इमीडिएटली डू इट। कुछ एक अस्पतालों ने, मुझे पता है कि जैसे सफदरजंग अस्पताल ने ऑलरेडी 2 हफ्ता पहले ये सारा काम कर लिया है, इसी तरह से अस्पतालों में यद्यपि पिछले समय में हमने आपस में बात भी की है और रेड क्रॉस को, रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स को एक्टिवेट किया है, रेड क्रॉस ने भी काफ़ी सारी चीज़ें फैसिलिटेट की है ब्लड डोनेशंस वगैरह के बारे में, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड के बारे में इन द हॉस्पिटल्स। तो इस संदर्भ में भी जो हमारे कंटिंजेंसी प्लान हैं उनको हम बनाकर एक्टिवेट कर लें, क्लिनिशियंस को और खासकर लेबॉरेटरी के जो स्टाफ हैं उनको इसके संदर्भ में, जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं इस समय, इसी तरह से उनको भी थोड़ा सा, क्योंकि सभी का ध्यान इस समय कोविड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो कहीं ना कहीं जो है